हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्रोडक्ट का क्विक रिव्यू दे देना चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पे गुड वाइब्स का कैराटिन नरिशिंग शैम्पू है मेरे पास, जिसमें नो पैराबेन है। अगर इस तरह का आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो तो आप इसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। कैराटिन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बालों को आपके स्मूथ बनाता है, शाइन करता है और स्ट्रेट करता है। सेकेंड जो शैम्पू है मेरे पास वो है खादी का, जिसमें नीम एंड एलोवेरा है। तो अगर आप इस तरह का कोई प्योर न्यूम एंड एलोवेरा का प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो ये खादी वाला आप देख सकते हो। 40-50% की आपको छूट मिल जाएगी, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके और भी प्रोडक्ट को आप देख सकते हो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे दो तरह के ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ, जो हमें मार्क करने के लिए यूज़ करना है। तो एक बड़ा और एक छोटा, दो ढक्कन लेना है। साथ ही साथ आप किचन के कोई भी पुराने डब्बे के ढक्कन का या डब्बों का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के खाली डब्बों का। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है बड़े वाले पीस से, और एक बड़ा वाला पीस कट करना है और दो उससे छोटा मैंने जो ढक्कन दिखाया था उसका पीस इस तरह से कट कर लेना है। तो गाइज, इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास हाफ पर्ल है। तो आप डेकोरेट करने के लिए आप कुछ भी अपने हिसाब से आप रख सकते हो। मेरे पास जो था मैं उसी में इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और फेविकोल का यूज़ कीजिए, सबसे बीच में मैंने हाफ पर लगाई है। और यहाँ पे छोटे छोटे मेरे पास स्टोन्स हैं रेड में, तो थोड़ा सा मैं इसको रेड कलर देना चाहती थी, इसीलिए मैंने वाइट के साथ रेड रखा हुआ है इसमें। तो इस तरह से आप इसको जिस तरह से एक पैच बनाते हैं या फिर एक बटन बनाते हैं, उस तरह से इसको हमें डेकोरेट कर लेना है। तो यह देखिए, यहाँ पे करीब करीब में इसको रेड वाले को मैंने स्टोन को लगाया है। और यहाँ पे मेरे पास है ये चेन, इसको बॉल चेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। तो बहुत इजीली जहाँ पे ज्वेलरी मेकिंग का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा। तो साइड में देखिए मैंने इसको लगाया है। और ये मेरे पास है जो है स्टोन चेन, इसमें छोटे छोटे नग्स लगे होते हैं स्टोन्स, बहुत 10-12 रुपए का हाफ मीटर आपको ये मिल जाएगा। सारी चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं और मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल हैं। तो जिस तरह से आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको इसमें लगा करके एक बड़ा सा पैच मैंने तैयार किया है। अब लास्ट में जो बचा हुआ साइड में मैं एक बार और ही इसमें ये रेड वाले स्टोन लगा दूँगी। ये देखिए बॉल चेन की जो है मैंने 3 बार इस पर लगाया हुआ है। और ये देखिए, ये मेरा बन के कम्प्लीट हो गया पहला वाला पीस। तो इस तरह से हमें दोनों पीसेस को भी इसी तरह से सेम कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, छोटे वाले पीस में मैंने कम लगाया हुआ है क्योंकि ये छोटी पीस थी। तो इन दोनों को भी मैंने रेडी कर लिया है और ये मेरी तीनों पीस बनके रेडी हो गई हैं इस तरह से। तो 3 पीस का सेट हमें बनाना है इस तरह से। तो इसको कम्प्लीट कर लीजिए। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए, मैंने बॉल चेन का कम यूज़ किया है। गाइस, यहाँ पे देखिए मेरे पास वाइट कलर की पर्ल है, तो उनको मैंने यहाँ पे इस तरह से धागे में गूंध रखा है। और जो पर्ल आप गूंधिएगा, जो लाइन बनाइएगा, उससे दूसरी लाइन जो है छोटी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन ले लिया है, आपके पास जो भी है वो ले लीजिए। दूसरी वाली लाइन जो है वो थोड़ी छोटी रहेगी, यानी कि कम मोतियाँ डालिएगा दूसरी वाली लाइन में। और यहाँ पर एक तीसरी भी लाइन बनाएंगे जिसमें इन दोनों से कम रहेगा, यानी कि छोटा बड़ा और फिर बड़ा। इस तरह से हमें इसको बनाना है। ये देखिए मेरे पास 3 है और सब में एक्स्ट्रा धागे साइड में छोड़ने हैं। ये देखिए मैंने छोड़ रखे हैं। यहाँ से इन तीनों को पकड़ के आपस में नॉट लगा देंगे। तो बहुत केयरफुली इसको पकड़ के इसमें नॉट लगा दीजिए, ताकि धागा प्रॉपर सेट हो जाए। और ज़्यादा धागा इसको छोड़िएगा, मैं मोतियाँ जहाँ तक है वहाँ तक पकड़ के इसमें नॉट लगानी है। तो इस तरह से कुछ मोड़ कर मैं लगा दे रही हूँ नॉट इसमें तीनों को। और इसी तरह से हमने दूसरी वाली भी लगा लेनी है दूसरी तरफ। ये देखिए एकदम मैंने कॉर्नर पे यहाँ पे लगाई है। इसी तरह से हम दूसरी भी लगा लेंगे। और इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा, तो इसी तरह से कर लीजिए। तो गाइस, ये देखिए ये दोनों तरफ से नॉट लगा दी है मैंने। और ये मेरा बड़ा वाला पीस है, बड़े वाले पीस के पीछे के साइड में हमें इसको चिपकाना है। तो फेविकॉल से पहले चिपका दीजिए इसको।
और जो हम चिपकाएंगे वो नीचे की तरफ होगा और दोनों एक बराबर रख कर चिपकाएंगे, मतलब धागा एक तरफ बराबर रखना है, कुछ ऊंचा नीचा नहीं होना है। इस तरह से बराबर रखिए और चिपका दीजिए इसको। देखिए कुछ इस तरह से एकदम जहाँ से धागा ख़त्म होता है, सॉरी, जहाँ से धागा ख़त्म होता है वहीं से इसको रखना है और इस तरह से इसको दोनों साइड्स में चिपका देना है। बीच में ज़्यादा हमें गैप नहीं देना है। ये देखिए इस तरह से कुछ रखना है और इसको थोड़ा सा चिपक जाने देना है। तो थोड़ा देर के लिए रख दीजिए इसको। और गाइस इसको और भी अच्छे से करने के लिए मैं यहाँ पे, मेरे पास मास्किंग टेप है तो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये प्रॉपर और सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मास्किंग टेप लगा दीजिए या कुछ ऐसा टेप आपके पास है तो वो लगा दीजिए। तो धागे पे मैं मास्किंग टेप लगा देती हूँ पीछे की तरफ, और एक्स्ट्रा धागे को हमें काट देना है और इस तरह से हमारा ये लुक आएगा इसका। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दोनों हमने कैप्स लिए थे छोटे और बड़े, उसके मैंने बकरम काट रखे हैं। तो यहाँ पे चाहे बकरम ले लीजिए, चाहे कोई भी कपड़ा ले सकते हो आप, ऑप्शनल है बिल्कुल, आप कोई कपड़ा ले सकते हो। और यहाँ पे मैं एक यू पिन का यूज़ कर रही हूँ, जो जूड़ा पिन आता है वो इस तरह से रखना है और सुई धागे की हेल्प से हमें इसको इसमें टाक देना है। देखिए मैं बता दे रही हूँ किस तरह टाकना है। टाकना इस तरह है कि ये मूव करे, ये देखिए इस तरह लगाना है कि ये देखिए इस तरह से मूव करना चाहिए इसको। तो ये कर लिया मैंने। अब गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने छोटी पर्ल और बड़ी पर्ल ली है। तो आपके पास जो है, सिर्फ बड़ी पर्ल है तो वो यूज़ कर लें, छोटी है तो वो यूज़ कर लें। बड़ी पर्ल का जो है वो है 15 सेंटीमीटर मैंने रखा है, छोटी वाली का मैंने 13 रखा है और सबसे छोटी वाली का मैंने 10 रखा है। तो इस तरह से तीनों पर्ल एक दूसरे से छोटे होंगे लाइंस साइज में, और एक्स्ट्रा धागा दोनों की तरफ हमें छोड़ देना है। अब तीनों को एक साथ धागे को पकड़ के हमें इस तरह से कॉर्नर पे नॉट लगानी है। इसी तरह से हम इधर भी करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने नॉट लगा ली है और ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे मेरे पास है हुक, देखिए मेरा हाथ भी गंदा हो गया है, मेरे पास हुक है और जो हमने छोटे छोटे बकरम्स काट रखे थे उनमें ये हुक को हम सिलाई से टाक देंगे। हुक जो ब्लाउज़ में लगता है गाइज वही है, पुराने ब्लाउज़ हैं तो उसमें से भी आप निकाल सकते हो। इस तरह से देखिए मैंने हुक को टाक दिया है और ये जो धागा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उस धागे में हम सुई लगाएंगे। ये देखिए मैंने सुई लगा दी है और सुई के को हुक जिधर लगा है उधर के अपोजिट तरफ हम धागे में को इस लरी को हम टाक देंगे। जो तीन लरी हमने बनाई थी वही है, ये तीन लाइंस छोटे बड़े सुई की हेल्प से हुक वाले पार्ट पे हमें टाकना है और अपोजिट साइड में, यानी कि हुक के अपोजिट साइड में हमें टाक देना है अच्छे से, ताकि एकदम मजबूत हो जाएगा। अब ये वाला जो पीस है उसको हमें लगाना है हुक वाले पार्ट में अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे ग्लू लगा लेती हूँ मैं पहले अच्छे से, और अब मैं इस बकरम में इसको लगा दूंगी अच्छे से। इसको सेट हो जाने दीजिए। ये देखिए ये सेट हो गया है। अब ये बड़ी वाली जो पीस है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको चिपका देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए धागे को मैंने यहाँ से चिपका दिया है और मास्किंग टेप से भी आप इसको चिपका दीजिए। और दूसरी वाली पीस को मैंने जस्ट अपोजिट साइड में चिपका दिया है। अभी जो हमने यूपिन वाला किया था तो इस तरह से यूपिन वाले को रख के बड़े वाले पे हमें इस तरह से चिपकाना। तो गाइज़ इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। बीच वाला पार्ट बीच में मैंने लगाया है और यहाँ पे मैंने यू पिन लगाई है। साइड्स में ये दोनों पीसेस आएंगे जो टिक्कियाँ हैं छोटी वाली,
और इन्हीं में हुक लगा हुआ है। तो इस तरह से इसका लुक कंप्लीट हो गया है। साइड साइड में मैंने हुक लगाए हैं, तो चलिए इसको लगा के दिखा देते हैं कि किस तरह से ये लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक हेयर डमी है जिसका मैंने बन बना रखा है। तो नॉर्मली ये बन पे ही लगता है ये। तो बन इस तरह से बना लीजिए जूड़ा कुछ, और बीच वाला जो यूपिन लगाया है सबसे पहले वो जूड़े के बीचों बीच में लगाएंगे हम इस तरह से। तो देखिए जूड़े वाला पिन जो है उसको बीच में पहले आप इंटर करिए इस तरह से, और फिर साइड में हमें लगाना है। तो ये देखिए साइड वाला मैंने एक लगा दिया है यहाँ पे साइड में, इसको फंसाएंगे हुक वाले को, और सेकंड वाला जो हुक वाला है वो दूसरी साइड में हम फंसाएंगे हेड के। इजीली ये फंस जाएगा क्योंकि इसमें हुक्स लगे हुए हैं। और थोड़ा सा पर्ल को आप सेट कर दीजिए हाथ से, और इस तरह से ये लुक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो नॉर्मली ये साड़ी पे या फिर लहंगा पे ये बहुत अच्छा लगता है, और पार्टी वियर है, शादी है, कुछ भी है, तो इस तरह आप कुछ भी पहना है आपने तो इस तरह से आप इसको कैरी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।